छत्तीसगढ़ व्यापम 2023 में जो है सीजी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये टेट 2023 भर्ती परीक्षा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा तो ही आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक जो है बन सकते हैं। अगर आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड नहीं है तो आप जो है बिल्कुल भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। शिक्षक बनने के लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहता है क्वालिफिकेशंस, तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस होना चाहिए। ग्रेजुएशंस आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से होना चाहिए, कोई भी एनी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट से हो। इसके साथ आपका जो है बीएड होना चाहिए, या फिर अगर आपने बीएड नहीं किया है उसके जगह अगर आपने डीएलएड किया फिर भी चल जाएगा, बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और साथ में रोज़गार पंजीयन भी होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो रोज़गार पंजीयन करा के नहीं रखते, जिनका रिन्यूअल का डेट आ चुका है वो रिन्यूअल करा लीजिए, और जिन्होंने अभी तक रोजगार पंजीयन नहीं करा है वो सभी स्टूडेंट्स रोजगार पंजीयन जो है करा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2023 जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह से आप जो है टेट 2023 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, कितना पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, कट ऑफ जो है कितना होगा, तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आपको एग्ज़ाम्स में 90 नंबर लाना है। देखिए टेट में 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके एक अंक के होते हैं, 150 में से आपको 90 मार्क्स लाना है 90 नंबर। यदि आपका 90 नंबर आ जाता है यानी कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को टेट एग्ज़ाम में 60% अंक लाना रहता है। इस हिसाब से 90 नंबर अगर आप ला लेते हो तो मतलब आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आपके एससी एसटी और ओबीसी, जी हाँ एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में 50% अंक लाना रहता है, यानी कि 75 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। अगर आपका 75 नंबर आ रहा है टेट में क्वालिफाइड कर लेंगे। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कट ऑफ जो है इतना होगा या इतना होगा, आपको इतना एक मिनिमम नंबर जो आपको लाना होता है। अगर एक नंबर भी अगर आपका कम हो जाता है फिर भी आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड नहीं हो पाएगा। पहले अगर टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड हो जाता था तो उसकी वैलिडिटी केवल 7 साल तक ही वैलिड रहता था, लेकिन अब जो है नया रूल रेगुलेशंस के हिसाब से एक बार अगर आपने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपकी वैलिडिटी जो है आजीवन होता है, हमेशा होता है, और आपको सीजी टेट का ई सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो टेट 2023 हर स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में। देखिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करते हो, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में ही सबसे ज़्यादा नॉलेज होने चाहिए, और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना है, कौन कौन से बुक पढ़ना है, कौन कौन से राइटर्स के बुक को आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप जो है टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड जो है कर पाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सीजी टेट का आप जो है सिलेबस जो है देख सकते हैं। बाल विकास परीक्षा, इसे एग्ज़ाम्स में जो है कुल 7 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है एक अंक के होते हैं। बाल विकास परिचय, जिसमें विकास की अवधारणाएँ, विकास की अवस्थाएँ, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक व परिवर्ती बाद के अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय, विकास के पहलू जिसमें आपका शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हर एक टॉपिक से ये जो सीखना एवं संज्ञान का विकास, सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलीकरण, ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सबसे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट्स होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट है।
वहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से भी प्राय क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ये सभी चीज़ें साथ में जो है हिंदी से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे 30 अंकों के। जी हाँ, प्रश्न पत्र के इस भाग में हिंदी से कुल 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिंदी का क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्ण विचार, जिसमें आपका अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन आदि, संधि एवं संधि विच्छेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, शब्द विचार, जिसमें आपका शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, जिसमें आपका जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द रचना, जिसमें आपका उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए जो है एक शब्द। ये जो बेसिक चीज़ें हैं हिंदी के, हिंदी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिंदी के व्याकरण। आपको ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि हिंदी तक हिंदी का क्वेश्चन तो है, हिंदी का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा या हिंदी में हम जो है आसानी से मार्क्स ले आएंगे, नंबर ले आएंगे, ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचना। जब तक आपका परफेक्ट अगर अच्छे से तैयारी नहीं होगा, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा, तब तक आप जो है हिंदी में अच्छे से नंबर जो है नहीं ला सकते। हिंदी में जो है आप अच्छा खासा नंबर जो है गेन बिल्कुल भी आप जो है नहीं कर पाएंगे। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से भी आपके जो है 30 मार्क्स से 30 अंकों के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो है कम्प्रिहेंसिव ग्रामर्स, ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब इंस्टीट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट है। तो 30 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश आपको अच्छे से करते रहना है, मेहनत करना है, और ग्रामर्स की प्रिपरेशन करने के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश, जी हम इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करते हो, इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हो, तो इंग्लिश में अच्छे से मार्क्स ले आओगे। वहीं 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मैथ्स से भी पूछे जाते हैं। मैथ्स में आपके एग्जाम्स में घातांक, अनुपात, सम अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इनसे संबंधित क्वेश्चन, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बस तैयारी अच्छे से करना है, मेहनत अच्छे से करना है। देखो मेहनत का फल जो होता है ना, रिजल्ट होता है, वो शुरुआत में भले ही ना सही, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रिजल्ट मिलता जरूर है। तो CGTET एग्ज़ाम 2023 आपका होने वाला है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। आई होप वीडियोस पसंद आए हो आपको। वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में वीडियोस को शेयर करो, और इसी तरह से नए नए वीडियोस छत्तीसगढ़ में मिलते रहेंगे।